हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। चंबा जिला के करीब 12 नौजवान जो कि मध्य प्रदेश के औरंगाबाद में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, वे बुधवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के थाना डमटाल पहुंचे। यहां पर उन्हें 14 दिन के लिए मोहटली स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। इन युवाओं ने बताया, लॉकडाउन के चलते वे वहां पर फंस चुके थे तथा उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और उन्होंने इकट्ठे होकर सभी ने सरकार से कर्फ्यू पास लेकर एक टेम्पो ट्रेवलर हायर की तथा वे यहां तीसरे दिन पहुंचे, जिसमें मध्य प्रदेश से डमटाल तक का किराया करीब 1,00,000 रुपया बन चुका है। इस मौके पर डमटाल के अतिरिक्त थाना प्रभारी रमेश बैंस ने उन्हें सबसे पहले रिफ्रेशमेंट दी तथा उसके बाद उन्हें मोहटली स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। इस मौके पर नेशनल हाईवे पर रॉयल शूज की तरफ से लगातार आने जाने वालों लोगों को मुफ्त में पानी, चाय, बिस्कुट व नमकीन आदि के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र से आए थे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से और ये अपने घर को छूटा और कांगड़ा जा रहे थे। अभी आप इनको क्वारंटाइन कर रहे हो? क्वारंटाइन कर रहे हैं 14 दिन के लिए। कौन भी कर रहे हो? हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।